अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी हर्बल ट्यूब। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसी औरतों के लिए एक रेमेडी बताऊंगा जिनको अपनी एचपी पूरी करनी है। अगर आपकी एचपी भी कम है, आपकी एचपी भी कम है, थोड़ी है, आप उसको घर पर नेचुरली किस तरह बूस्ट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो बात करते हैं रेमेडी कौन सी है। रेमेडी सिर्फ फ्रूट्स से है। आपने क्या करना है, जी सबसे पहले आपने चेरी लेना है, दूसरे नंबर पर आपने चुकंदर लेना है और तीसरे नंबर पर आपने अनार लेना है। ठीक है, अनार की जगह आप आलू बुखारा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब तीनों चीज़ों को आपने क्या करना है, आपने इसको मैश करना है, छिलका उतार के इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, आलू बुखारा की गुठली निकाल देनी है, अनार है तो अनार का जूस ले लेना है, चेरी की गुठली निकाल देनी है। तो आपने अब करना क्या है, आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, ग्राइंडर में डाल के इसको ब्लेंड करना है और उसके बाद आपने चुकंदर की वजह से ये जूस होगा कड़वा। ठीक है, आपने हसबे ज़रूरत, हसबे जायका, जितना आपको मीठा पसंद है आपने उतनी शुगर इसके अंदर डाल लेनी है, चीनी डाल लेनी है। अब आपके पास ये एक रेमेडी तैयार होगी। अब देखें, आपने इस गिलास, एक गिलास जो है इस चीज़ का, इस शेक का, आपने दिन में एक गिलास पीना है। ठीक है, अब आपने इसको पीना किस तरह है, अगर आप ज़्यादा इसको कसरत से पियेंगी, एक दफ़ा पी लेंगी तो आपको मोशन वगैरह लग जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। तो इसके लिए आपने ये करना है कि एक गिलास को आपने एक दिन में पीना है। ठीक है, उसको ठंडा कर लें, अपने पास बोतल में रख लें, एक दिन में आपने उसको एक एक घूंट, एक एक सिप करके पी लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा इससे आपकी एचपी बड़ी अच्छी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इस चीज की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।